हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कूलम्स लॉ। पहले वाले टॉपिक पर, पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में, व्हाट इज चार्ज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। चार्ज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड हाउ डज चार्ज प्रोड्यूस, चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। चार्ज को प्रोड्यूस करने के तीन मेथड थे हमारे पास, चार्जिंग बाय रबिंग यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ी थी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज पढ़ लिया था कि चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज कंजर्व होता है और चार्ज को एल्जेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इतना सब कुछ हमने पढ़ा। इसके बाद आता है हमारे पास कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ गिव्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कूलम्स लॉ की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं? इन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। इसके बारे में किसने बताया था? कूलम। ये साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम, ये इसका नाम है। इसने टर्शियन बैलेंस क्या कहा था? टर्शियन बैलेंस डिस्कवर किया था और एक्सपेरिमेंटली ये बताया था कि हाउ मच फोर्स इज एग्जर्टेड बाय वन चार्ज ऑन अनदर चार्ज, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें टर्शियन बैलेंस, टर्शियन बैलेंस एक तरीके का फोर्स को मेजर करने के लिए बैलेंस होता है, ये टॉर्क पर डिपेंड करता है, मतलब टॉर्क लगता है उसकी बेस पर। वो एक एक्सपेरिमेंट है इनका अपना, उस एक्सपेरिमेंट पर उन्होंने ये पता लगाया कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है और उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला बनाया जिसको हम क्या पढ़ते हैं? कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। इन्होंने इसमें क्या बताया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हम जान लेते हैं कि कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, चार्जेस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हर एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है चार्ज, हमने बताया था। कूलम्स लॉ बिल्कुल वर्क करता है या बिल्कुल एनालॉग ही है, किसके रिजेंबल करता है, किसके साथ रिजेंबल करता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि मास, हमने बताया था मास, मास में क्या होता है कि मास जो है हर एक ऑब्जेक्ट की ये भी प्रॉपर्टी है, मास क्या है? प्रॉपर्टी है हर एक ऑब्जेक्ट की। और मास, दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशन लॉ कहता है हमारे पास। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो न्यूटन ने ये बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इन दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ मास यानी मास की वैल्यू को बढ़ाता चला जाऊंगा तो उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। हैवी ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, लाइटर ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच का फोर्स कम होगा। इसी तरह से ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा पास मौजूद हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा फील होगा, और अगर उनको हम दूर कर देंगे, डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, तो बहुत तेजी के साथ उनके बीच का फोर्स घटेगा। ये क्या था हमारा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। इन द सेम वे, इसी वे में जाकर कूलम ने लॉ बनाया जिसे हमने कहा कूलम्स लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द कूलम्स लॉ इज यूज टू फाइंड द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है या जो रिपल्सिव फोर्स होता है उसको जानने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कूलम्स लॉ का यूज करते हैं। तो वी कैन ऑल्सो से दैट दिस लॉ इज यूज टू फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। तो इट स्टेट्स एज, इसका स्टेटमेंट क्या था हमारे पास? इसका स्टेटमेंट सभी लोग समझेंगे, लिखते भी चलेंगे सभी बच्चे आराम से। तो ये कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है, क्योंकि चार्जेस के बीच में दोनों ही तरह का फोर्स होता है, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ये दो पॉइंट चार्ज हैं हमारे पास, Q1 Q2 आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। तब ये कहा जाता है कि इनके बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम देख सकते हैं जो मासेज है M1 M2 रिप्लेस कर दिए गए चार्जेस से Q1 Q2 से, और उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो बिल्कुल सेम वे में हम इसको कर रहे हैं जैसा कि हमारे पास ग्रेविटेशन लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बाय कंबाइनिंग दीज बाय कंबाइनिंग दीज इक्वेशन वी गेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और वी कैन राइट हियर एफ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास के की वैल्यू है, एंड यहां पर के की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, 1/4 πε₀, 1/4 πε₀। इसकी पूरी वैल्यू 9 पॉइंट, एक्चुअली ये वैल्यू जो होती है 8.9875 करके हुआ करती है, 8.9 9.87 कुछ करके हुआ करती है, 8.97 करके, इतनी 8.987 समथिंग करके हुआ करती है। इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख लेते हैं, 9 लिख लिया करते हैं। एक्सपेरिमेंटली जब इसकी वैल्यू निकाली जाती है तो बहुत इसके लगभग बराबर होती है, राउंड ऑफ करके हम क्या लिखते हैं, 9 × 10⁻⁹ लिखते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है कि इसका हमने क्या लिखा है, 1/4 πε₀, वेयर एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻¹2, और इसकी जब वैल्यू हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है न्यूटन, सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ये यूनिट आ जाती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की। तो फोर्स समझ लेंगे इसको अच्छे से, फोर्स क्या रहेगा हमारे पास, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां के जो है एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास ये है, और इसको हम किस टर्म में लिखते हैं, ये यहाँ ये मीन है एप्सिलॉन, इसलिए पढ़ते हैं हम एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ये इसका सिंबल, और ये KNOT जीरो लगा रखा है, तो नॉट पढ़ते सभी लोग जानते हैं इसको। तो एप्सिलॉन का ये ग्रीक लेटर है, ये सिंबल है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसको कहते क्या है, तो इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे पहले फॉर्मूले को, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एप्सिलॉन क्या है। तो फोर्स लगने वाला किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच फोर्स लगने वाला जो है वो के की वैल्यू अगर हम ये लगाते हैं तो एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाया करता है। यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो अब ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, के की जगह पर हम उसके कांस्टेंट को लिख देंगे, तो हम लिखेंगे 1/4 πε₀ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये रहेगा हमारे पास फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। एप्सिलॉन नॉट को हम पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
यानी इसका मतलब ये हुआ करता है चार्जेस के बीच में, परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है उस मीडियम की जिस मीडियम में चार्ज रखे गए हैं, और वो बताता है कि हाउ इजीली या हाउ डज द मीडियम अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट। यानी कोई भी दो मीडियम, किसी भी मीडियम में दो चार्ज रखे हुए तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से पास हो रहा है, यानी किस तरह से वो फोर्स एग्जर्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे पर, तो वो क्या बताती है, ये परमिटिविटी बताती है, जिसका सिंबल क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए है, स्पेस के लिए है, फ्री स्पेस के लिए, यानी वैक्यूम के लिए है। ये किसके लिए आया है, यहाँ पर ये वैक्यूम के लिए आया है, जब चार्जेस किसी भी दो चार्जेस किसी मीडियम में ना होकर वैक्यूम के बीच में कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का मीडियम नहीं, क्या है सिर्फ एयर या वैक्यूम है जहां पर दो चार्जेस रखे हुए हैं, तब उन पर लगने वाला फोर्स जो है वो इस पर इतना फोर्स लगेगा। अब क्या है, क्यों है इस तरह से, जो फोर्स जो होता है किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। क्या है ये, मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर मैं दो चार्जेस को किसी और मीडियम में रख दूंगा, सपोज करो अगर मैं दोनों चार्ज को उठाकर पानी के अंदर रख दिया, लिक्विड के अंदर रख दिया किसी भी, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वो किस तरह से चेंज होगा वो बताया जाता है अभी आपको। अगर हम ये दो चार्जेस, इफ द चार्जेस आर प्लेस इन अ मीडियम, इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कि अब ये एक वर्ड और आया आप लोगों के लिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसके बारे में भी समझाएंगे। देन द फोर्स बिटवीन देम इज, अब उनके बीच जो फोर्स कब होगा, 1/4 πε0 k q1 q2 r2। ये हो जाएगा फोर्स किसमें, मीडियम में, जब उनके बीच में मीडियम है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। ठीक, ये हो जाएगा फोर्स इन मीडियम और ये हो जाएगा फोर्स इन वैक्यूम। क्या है ये फॉर्मूला लिखा जाता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम और इन एयर, और दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन एनी मीडियम। ये क्या हुआ यहाँ पर, 1/4 πε0 k। तो हेयर ये जो टर्म है मेरे पास के, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो बताता है कि अब जो उनके बीच जो परमिटिविटी है, हेयर एप्सिलॉन नॉट के इज कॉल्ड एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या कहलाएगा, अब मैं एप्सिलॉन नॉट के को एप्सिलॉन लिख सकता हूं बस, तो ये हो सकता है 1/4 πε q1 q2 r2 किसी मीडियम के लिए, और इसकी वैल्यू हमें गिवन हुआ करेगी। ठीक है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, एप्सिलॉन कह देते हैं, सिर्फ एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बोला जाता है, और ये एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है वैक्यूम के लिए और ये मीडियम के लिए। यानी कि अगर उनको किसी मीडियम में रख दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, तो उनके बीच पर, उनके बीच लगने वाले फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ रही बात, कूलम्स लॉ क्या बता रहा है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, वो जो दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स डिपेंड करता है मीडियम में, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में किस तरह का मीडियम है। अगर दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं, फ्री स्पेस का मीनिंग क्या है, उनके बीच में सिर्फ एयर है या वैक्यूम है, तब उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो वो फोर्स इतना होगा 1/4 πε0 q1 q2 r2। इसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली मालूम है, इसकी वैल्यू हुआ करती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसके अलावा हमारे पास इन दोनों ही चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रख दिया जाता है, मान लो दोनों चार्जेस किसी आयरन रॉड के दो कॉर्नर पर रखे हुए हैं, या किसी कंडक्टर के दो कॉर्नर पर रखे हुए हैं, या हम कह सकते हैं किसी इंसुलेटिंग रॉड के दो कॉर्नर के बीच में रखे हुए हैं, कह सकते हैं उन्हीं को मैंने एयर के किसी लिक्विड में रख दिया है, कहाँ रख दिया है, उतने ही डिस्टेंस पर, सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर एयर की जगह मैंने कहाँ रख दिया, लिक्विड के अंदर रख दिया, तो उनके बीच लगने वाले फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि दोनों चार्जेस के बीच
का जो फोर्स होता है उनके बीच के मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो वो किस तरह से डिपेंड करता है, ये वैक्यूम के लिए है और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर हम इस एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये एक रिलेशन है, ये क्या है, ये तुम्हारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रिजल्ट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक, अब यहां से इन दोनों का जो के है, दिस के इज आल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, इस के को हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और दूसरा नाम क्या है इसका, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहलाता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या है ये हमारे पास। अब ये हमने देखा, ये जो चीज है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के इक्वल्स टू ई आया, वेयर जो के निकालेंगे हम वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो के इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। के क्या कहलाती है, रिलेटिव परमिटिविटी, इसे हम ई ऑफ आर भी कह देते हैं। ठीक है, ई आर एप्सिलॉन आर, तो ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन यहां से दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन दे सकते हैं यहां पर हम। तो यहां से साफ समझ में आ जाता है हमारे पास, ये बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट के, यहाँ पर के क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, वो जो मीडियम में चार्जेस रखे गए हैं उसकी परमिटिविटी, जिसे हमने रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या हो गया कि जब चार्जेस को हमने मीडियम में रखा हुआ है तब उनके बीच फोर्स क्या है, और जब हम उन्हें इस वैक्यूम में रखा हुआ है तब उनके बीच का फोर्स क्या है, ये बताता है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आया, यहां से हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, तो ये फोर्स रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन एनी मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। वो फोर्स आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हमारे पास डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ना कहकर अगर क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी कह दिया जाता है, इफ वी है एब्सोल्यूट परमिटिविटी तब जो फोर्स आएगा उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी एफ मीडियम के लिए है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के पूरा क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन के बराबर है। अब अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या करते हैं, किसी भी मीडियम में जो फोर्स है और जो फोर्स हमारा वैक्यूम में है, इनको हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। जो वैक्यूम वाला फोर्स है डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम, देन वी गेट, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बताएं बच्चों क्या बचने वाला है, ये के बचने वाला है। क्या बचने वाला है हमारे पास, ये के बचने वाला है। तो ये हम कह सकते हैं कि के क्या है, के इन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट दैट the force in vacuum
और इन एनी मीडियम बिकम्स वन अपॉन के टाइम्स ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। किसी भी मीडियम में फोर्स की वैल्यू जो होती है वो उसके डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वन अपॉन के टाइम्स हो जाती है, यानी कि मीडियम जो एयर में फोर्स होता है उसका वन अपॉन के टाइम्स हो जाया करता है, यहाँ से हमें ये पता लग जाया करता। और अगर आपका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की हम डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। तो ये ओवरऑल हमारे पास फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के लिए एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है, जिसको हम वैक्यूम में रखे हुए चार्जेस तब कैसे फाइंड करेंगे वो पता लग जाता है। और अगर यही दो चार्जेस किसी मीडियम में मौजूद हैं तब उन पर फोर्स क्या होगा ये हमें यहाँ से पता लग जाया करता है। इज दैट क्लियर? सभी को ये चीज अच्छे समझ में आए, फोर्स समझ में आया कि नहीं, दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल से इसको और समझ लेते हैं अच्छे से, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। इसे सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे हम इसके। हमारे पास ये क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड by some distance is F. If the distance between charges gets halved, then find the new force. अब दो चार्जेस अगर हमारे पास रखे हुए हैं जिनके बीच हमारे पास फोर्स F है, समझे बात को, क्या है हमारे पास दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स F न्यूटन है, और उनके बीच के डिस्टेंस को अगर आधा कर देते हैं यानी कि चार्जेस की वैल्यू को बिना चेंज किए, जब क्वेश्चन में हमसे कहा जाएगा सेपरेटेड हैं तो यहाँ पर कोई मीडियम का जिक्र नहीं किया जाता है, तो वहां पर हमेशा मीडियम क्या होता है, एयर होता है। ओके, अगर हमारे पास किसी भी मीडियम का जिक्र नहीं है यहाँ पर तो क्या रहेगा, मीडियम एयर रहेगा या वैक्यूम माना जाएगा। तो हमारे पास फोर्स है यहाँ पर दोनों चार्जेस के बीच का, तो फोर्स होता है 1/4πε0q1q2r2। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतनी बड़ी वैल्यू की जगह k लिख दिया करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये k और ये पूरा कांस्टेंट एक ही तो बात है, तो बार बार इतनी बड़ी वैल्यू नहीं, जगह हम k लिख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे पास फोर्स है, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अगेन व्हेन डिस्टेंस इज हाफ, अब क्या किया हमने, अगर डिस्टेंस को क्या कर दिया, आधा कर दिया, जब डिस्टेंस आधा कर दिया तो आर कितना हो जाएगा, आर अपॉन टू हो जाएगा। अब ये नया फोर्स जो हमारे पास बनेगा q1 q2 r/2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा r² / 4, ये 4 हम मल्टीप्लाई में लेकर आ सकते हैं, ये 4 1/4πε0 q1 q2 r², ओके, r² / 4, तो ये 4 मल्टीप्लाई में हो गया, और ये हमारे पास टोटल फोर्स फॉर्मूला इक्वेशन फर्स्ट से F'=4F. So here we can say that after changing the distance by half, आधी कर दी जाती है, reducing the distance by half, the force becomes 4 times. Force कितना हो जाता है उन दोनों के बीच, force होता है 4 times हो जाया करता है। क्लियर हो रही है बात भाई, स्क्वायर है और स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स क्या है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्लियर हो रहा है यहाँ से, अगर मैं डिस्टेंस को आधा कर देता हूं r अपॉन टू, तो डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, तो आधा करने का मतलब स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा, 1/3 कर देंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 कर देंगे तो 16 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने कहा कि इनके बीच के डिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया, तो डबल करने का मतलब r का कर देंगे 2r, तो 4r², तो कितना हो जाएगा 1/4, अब ये फोर्स कितना रह जाएगा 1/4 रह जाएगा, ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर दोनों चार्जेस की वैल्यू को, इनके मैग्नीट्यूड को डबल कर देंगे,
टू टू जो फोर, तब भी टू टाइम्स हो जाएगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को हाफ कर देंगे तो क्यू बाई टू, फिर से ये क्या हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस। इज इज 0.3.6 न्यूटन। दो आइडेंटिकल चार्जेस के बीच का फोर्स कितना है, 3.6 न्यूटन। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास, दो चार्जेस हैं हमारे पास, उन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है 3.6 न्यूटन है, और चार्जेस कहते हैं हमारे पास इक्वल चार्जेस, यानी मैग्नीट्यूड सेम है उनका, आइडेंटिकल चार्जेस हैं। तब हमें बताना है कि उनके बीच के चार्ज की वैल्यू क्या है। जो दो चार्जेस हैं हमारे पास, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, और इनके बीच का डिस्टेंस आर है जो हमारे पास 1 मीटर है, और फोर्स हमें दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एफ इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon r² फॉर्मूला हो गया हमारे पास दोनों चार्ज के बीच का। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 3.6 न्यूटन दे रखा है, और ये टोटल वैल्यू हमारे पास है 9×10⁻¹ हुआ करता है, और ये क्यू है और ये भी क्यू है और ये है 1। ये हो गया 3.69×10⁻¹ Q²। अब हमारे पास Q² आया 3.6/9×10⁻¹। ये हो जाएगा 9 4 36, 0.4×10⁻¹-9। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, आप Q² इक्वल्स टू फोर कर रहे हैं इसको, 4×10⁻¹-10 हो जाएगा ये। इज दैट क्लियर, आई होप। देन क्यू इक्वल्स टू 2×10⁻¹-5। यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो वी कैन से दैट 2×10⁻¹-5 कूलम चार्ज है। एक चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q1 Q2 दोनों कितना है, 2×10⁻¹ कूलम का है। ये बात समझ में आई, दोनों दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के लिए हमने दूसरा फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर पास फोर्स दे रखा था, Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड करने थे, और डिस्टेंस दे रखा है इसके बीच का। समझ में आ रहा था बच्चों के, अच्छे से क्लियर हो रहा है, ये फोर्स निकाला। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आसानी से इसको करते चले जाएंगे और हमारे पास चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। सभी को ये क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन सेपरेटेड
बाय डिस्टेंस ऑफ वन एंगस्ट्रॉम। अगर दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास वन एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तब हमें क्या निकालना है, उनके बीच का फोर्स निकालना है। तो अब सॉल्व करें इसको, चार्जेस हमारे पास क्या है, क्यू वन क्यू टू क्या है, जो क्यू वन और क्यू टू होंगे वो होगा 1.6 × 10⁻¹। इन कूलम इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वन एंगस्ट्रॉम है, 10⁻¹ मीटर हो गया। ठीक, कन्वर्जन हमेशा याद होना चाहिए हमें। कूलम के अलावा हमने बताया था चार्ज के लिए कूलम है, माइक्रो कूलम है, नैनो कूलम है, वो सारे यूनिट्स होंगे यहाँ पर। ऐसे डिस्टेंस के भी यूनिट्स हम याद रखेंगे। अब इनके बीच का जो फोर्स होगा 1/4πε₀ q1 q2 अपॉन r स्क्वायर रहेगा। अब 9 × 10⁹ रहेगा, समझ मेरी बात अच्छे से कब चलेंगे सभी बच्चे। q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹, q2 की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹, और ये डिवाइडेड बाई 1 angstrom 1 × 10⁻¹ स्क्वायर। देन 9 × 1.6 becomes 2.56 × 19 38 and plus 9, then it becomes minus 38 plus 9 minus 29 and divided by 10⁻¹. पता चल रही है सभी को, हमने पावर साइड कर दी 38 में से 9 माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये भी ऊपर जाएगा तो प्लस का 20, तो ये हो जाएगा 9 6 45 9 5 45 5 50 85 8 523 × 10⁻¹। ये इसके बीच का फोर्स निकला, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में 2.304 × 10⁻¹ लिख सकते 2.304 × 10⁻¹ भी इसको लिख दिया जा सकता है। क्लियर हो गई बात, ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच का हमने फोर्स निकाला। तो इसी तरह से हम कूलम्स लॉ का यूज करके किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब इस पर बेस्ड और भी तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोगों को, इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ाया जाएगा। ये थोड़े फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे, अब इसके आगे थोड़े से हम बोर्ड लेवल और उसके बाद में इंजीनियरिंग लेवल JEE लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। आज के लिए इतना ही है, आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में।